इधर आ जाओ। यार मैं बीमार हूँ, गंदी फोटो आई। सर बटरफ्लाईज से पहले वो कैटरपिलर होता है, कैटरपिलर के बाद ही बटरफ्लाई बनता है। अभी वो सब कुछ हो रहा है बॉडी में, कुछ जू टाइप खुल गया है मैंने बॉडी में। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सर, क्योंकि मेरी सेकंड फिल्म है। मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि सेकंड फिल्म इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पर, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर, इतने बड़े डायरेक्टर साहब के साथ मुझे मिलेगी। बहुत सारा प्रेशर है क्योंकि फिक्शनल कैरेक्टर नहीं किया है। इससे पहले मैंने जो फिल्म करी सनम तेरी कसम, उसमें मैंने एक फिक्शनल कैरेक्टर किया। उसमें थोड़ी बहुत फ्रीडम रहती है कुछ भी अपना अपने हिसाब से, डायरेक्टर्स के हिसाब से। बट इस फिल्म में सिर्फ डायरेक्टर के हिसाब से करना था, क्योंकि रियल कैरेक्टर है और महावीर चक्र मिला है इस कैरेक्टर को, तो बहुत प्रेशर है। और सेकंड फिल्म में तो सर नर्वस तो बहुत ज़्यादा हूँ। सर बहुत अच्छी बात है, कंपैरिजन तो होगा ही क्योंकि जेपी सर की फिल्म है और उनकी ट्रिलॉजी पूरी हुई है। बॉर्डर एलओसी के बाद उन्होंने पलटन बनाई है, और लेकिन बहुत अलग फिल्म है सर। आप देखेंगे तभी शायद आप समझेंगे, क्योंकि हमने जब शूट किया है इट लुक्स एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम बॉर्डर एंड एलओसी। आई डोंट नो इफ हाउ टू कंपेयर इट विद द अदर टू फिल्म्स, बट मुझे आई एम सो शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड द वे जेपी सर हैज़ दिस अमेजिंग स्क्रीन प्ले इन हिज हेड, एंड पीपल आर जस्ट गोइंग टू वॉच अनदर जेम ऑफ हिज, एंड एवरीवन इज गोइंग टू बी रियली प्राउड ऑफ दिस फिल्म। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं अपने स्त्री यहाँ पर उनकी फिल्म रिलीज हो रही है कल, तो आई जस्ट वांट टू विश हिम ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बहुत बहुत हार्ड वर्क करते हैं और ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर। आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज वर्क एंड आई वुड से नो एंड आई वुड से कि इनकी सबसे आई थिंक हिज बेस्ट परफॉर्मेंस दैट आई रियली लव्ड वाज अगली में, जो ऑफकोर्स अनुराग कश्यप जी की फिल्म है, एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ टू वॉच हिम इन दिस फिल्म। थैंक यू। बहुत ही मेहनती है मेरी बहन, यू नो ऐसे ऐसे रोल्स कर लेती है, फ्रॉम स्त्री टू ABCD टू बागी टू हैदर, और अडेप्ट कर लेती है और कैरेक्टर के अंदर यू नो बहुत इजीली घुस जाती है और बाहर भी निकल जाती है। अभी गाड़ी में बात कर रही थी कि साइना के लिए क्या क्या प्रेपरेशन करने वाली है, तो बहुत ही हार्ड वर्किंग है एंड आई एम सुपर प्राउड ब्रदर। अभी स्त्री ने देखो क्या कमाल कर दिया बॉक्स ऑफिस। कि मैं मेरे दिमाग में तो वही ड्राइव होती है कि मैं और काम करूं, अलग अलग किरदार चूज़ करूं और मेहनत करते रहूं बस, और जितना और मेहनत करूंगा उतना ही फल मिलेगा, तो आई गेस मेहनत 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 करूं। आप दोनों में किस तरह की बात होती है, जब किसी काम को जाने वाली होती है, और उनके बारे में क्या बातचीत होती रहती है, लेकिन हम और भी दूसरी चीज़ों के बारे में भी बात करते हैं, जैसे भाई बहन का रिश्ता होता है नॉर्मल वैसे ही है। फिल्मों की बात बहुत ज़्यादा बाहर भी हो जाती है, तो कभी हम जब भी फिल्म रिलीज़ होती है तो एक दूसरे से अलग चीज़ों की भी बातें करते हैं बहुत, ताकि माइंड ऑफ हो जाए हमारा, यू नो घर पे हमारा डॉग है, हम यू नो पेरेंट्स हैं, हम सब मिलजुल कर फिल्मों की बात होती है, फिर सब भागने लग जाते हैं यहाँ पर, यू नो क्योंकि नहीं बहुत ज़्यादा हो गया, बट हाँ बातें तो करते हैं। जो भी
निकला नहीं है, बहुत कुछ बाकी सिद्धांत है। आई थिंक दैट इतने सिंसियर, इतने हार्डवर्किंग है और वो 110% डालते हैं। जब मैं घर पे देखती हूँ, जब वो एक फिल्म की शूटिंग कर रहे होते हैं या फिर तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनका 110% होता है। और एंड आई एम श्योर दैट ही विल ओनली कीप गेटिंग बेटर एंड बेटर, जैसे मुझे भी, आई ऑल्सो वॉन्ट टू कीप गेटिंग बेटर एंड बेटर। जी क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही बढ़िया डिसीजन है और बहुत खुश हैं हम सब लोग, बिकॉज प्यार की जीत हुई है। बिल्कुल, आज के बहुत ही हैप्पी इवेंट पे जो डिसीजन हुआ है, उसके लिए मैंने ये टी शर्ट भी पहना है। लव इज़ इनफ, क्योंकि वही मायने रखता है, प्यार मायने रखता है। एंड मैं बहुत खुश हूँ आज के फैसले से। थैंक यू सो मच। बटरफ्लाइज अभी क्या है यार, इतने साल हो गए, बटरफ्लाइज लगे क्या करेंगे। बस उम्मीद यही करता हूँ कि लोगों को पिक्चर बहुत अच्छी लगी, मतलब बहुत ही अच्छी फिल्म है। ये कहानी जो छुपाई गई थी हम सबसे, अब लोग जानेंगे कि 1967 में क्या हुआ था। मेरे को सब अच्छा ही बोलते मगर कल हमारी ऑडियंस देखेगी और जो वो सोचेंगे विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जी आई थिंक जेपी सर के लिए प्रेशर है, उनकी ट्रिलॉजी है जो कंप्लीट हो रही है, उनके लिए ज़्यादा प्रेशर है। मेरे ख्याल से तो अगर मेरा वर्डिक्ट ले तो ये ट्रिलॉजी जो पलटन है इज बेटर देन बोथ दोज फिल्म्स। तो या अरे बहुत ही अच्छी बात है 377 के बारे में, यू नो आई थिंक इंडिया शुड बी रियली प्राउड और कंग्रेचुलेशंस टू एवरीबॉडी, क्योंकि इंसानियत, सब इंसान है और ये इंसानियत की जीत है। थैंक यू। कुछ नहीं, मेरी पहली फिल्म है जेपी सर के साथ और इट्स एक्चुअली एन ऑनर कि पहली फिल्म आप इतने बड़े डायरेक्टर के साथ कर रहे हैं एंड जो इतना अच्छा सिनेमा बनाते आए हैं, तो डेफिनेटली बहुत ऑनर्ड फील हो रहा है एंड बहुत एक्साइटेड है हम यहाँ आज एज अ स्टारकास्ट का हिस्सा की तरीके से यहाँ होने में। लुक जैसे कि मैं हमेशा से बोलता हूँ कि माशाल्लाह बहुत अच्छी लगती हैं, तो आज भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग गई हैं और आज बहुत ख़ास मौका है, पहली फिल्म है, पहली फिल्म का पहली स्क्रीनिंग है। तो अभी तक हमेशा मुझे ये क्रिटिसाइज करती थी मेरे काम को लेके, आज अभी मैं करूँगा स्क्रीनिंग देखने के बाद भैया यहाँ अच्छा था, यहाँ बहुत अच्छा था, यहाँ बहुत 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 अच्छा था, ख़राब तो नहीं होगा। हाँ डेफिनेटली, क्योंकि अगर कुछ लगे हमें अच्छा लगा कि हाँ ये है, ऐसी स्क्रिप्ट है या ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें साथ में करना ही चाहिए, तो डेफिनेटली आएगा। थोड़ा सा अगर किरदार के बारे में हमारे ऑडियंस को बता दें, कौन सा हाँ बिल्कुल, तो मैं गुरमीत के ऑपोजिट उनकी फियांसे का किरदार निभा रही हूँ। उनकी एंगेजमेंट हो जाती है और उसके बाद वो वॉर फ्रंट पे जाते हैं, तो बहुत ही सिंपल सी हरियाणवी लड़की है एंड बहुत ज़्यादा प्यार करती है अपने होने वाली पति को एंड बस बाकी आप जब देखेंगे तो आप उसके साथ डेफिनेटली कनेक्ट। मतलब इतना 12 घंटे में नहीं, सुबह तो फिल्म लगी जाएगी, तो देखना ही है। थैंक यू। जी
I'm very excited. मैं सबसे ज़्यादा excited हूँ फिल्म देखने के लिए, क्योंकि मैंने भी अब तक फिल्म देखी नहीं है. सो और मुझे पता है कि जे पी सर से बेहतर वॉर फिल्म कोई नहीं बनाता है. सो आई एम वेटिंग टू सी द फिल्म. दिल डेफिनेटली कंपेरिजन तो रहेगा ही, वो आई थिंक बहुत ही एक नेचुरल सी बात है. नर्वसनेस आई थिंक है, वो इट्स नेचुरल, बट आई एम श्योर कि जे पी सर ने एक और बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनाई है. किरदार के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा. मैं मेरा किरदार एक राजपूत लड़की का है. जाहिर सी बात है, इट्स अ वॉर फिल्म, तो ज़्यादा ऑब्वियसली सोल्जर्स के बारे में है, उनके सैक्रिफाइसेस के बारे में है. बट जो नॉर्मली हम कभी भी जो सोल्जर्स बॉर्डर पर जाते हैं, अपनी यू नो जान को खतरे में डालते हैं, कभी भी हम उनकी फैमिलीज़ को इनफ इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं. बट जिन लोगों को वो पीछे छोड़ कर जाते हैं, आई थिंक वो भी उतने ही बड़े हीरोज़ होते हैं, क्योंकि वो अपने उन लोगों को अपने से दूर जाने देते हैं जिनको वो प्यार करते हैं, जानते हुए कि वो शायद कभी भी वापस ना आ पाए. सो आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग थिंग. वही मेरा कैरेक्टर है. Yes, yes, we are very, very happy. I think everyone's really happy because, like, it's always been said that, you know, love has no boundaries, and everyone should have the right to love whoever they want to. And I think finally, you know, it has happened here, and I'm very, very happy about it. I'm very happy for everyone. Thank you so much. Ma'am, look camera. Come. Sir, look camera. First camera. Hold ma'am, hold. Yes, sir. Hold ma'am, hold sir. Madam, you come samne. Ma'am, idhar. Madam, idhar dekhiye. Ma'am, idhar. Ma'am, ma'am. Ma'am, ma'am, ma'am. Center, center. Ma'am, idhar. Arey, nahi. Aapke liye ma'am, wapas ho jayega. Reject kar denge. Aapki film hai ma'am. Thank you.